हेलो चैंपियंस, दिस इज प्रियेश पटेल। यू आर वेलकम ऑन द ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ प्रियेश्वर विद्यापीठ। दोस्तों, डिप्लोमा के बाद आपका डिग्री में एडमिशन होता है, तो डिप्लोमा में जो जो स्टूडेंट्स की रेमेडियल एग्जामिनेशन पेंडिंग है उसके फॉर्म फिलअप के रिगार्डिंग का सर्कुलर फाइनली आ चुका है। तो बट आज इस वीडियो में हम वही सर्कुलर के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले, चैनल के ऊपर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें। इंस्टाग्राम टेलीग्राम सेम नाम से हमारा अकाउंट है, प्रियेश्वर विद्यापीठ से आप हमें वहां पर भी फॉलो कर सकते हो। बेटा, GTU की वेबसाइट में हम चलते हैं। 28 मार्च का सर्कुलर इंस्ट्रक्शन टू फिलिंग रेमेडियल एग्जाम फॉर्म ऑफ समर 2022 एग्जामिनेशन, डिप्लोमा इंजीनियरिंग सेमेस्टर 5-8, डिप्लोमा वोकेशनल सेमेस्टर 2-6 एंड डिप्लोमा आर्किटेक्चर सेमेस्टर 1-6। इसको जैसे ही बेटा हम ओपन करते हैं, लास्ट 2 ईयर में बेटा आपने देखा होगा कि जॉब रिलेटेड बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स आए हैं। लेकिन अगर आपके पास स्किल है तो आपके स्किल के बेस के ऊपर अच्छी कंपनी जैसे कि क्रेड, पेटीएम, यात्रा, फोन पे, ऐसे में अगर आपको जॉब मिल जाए तो कितना अच्छा रहेगा। तो इंडिया का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है रीलेवल बाय अर्न एकेडमी, जो आपको आपके घर बैठे बैठे एक सिंपल सी टेस्ट देकर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट देकर, जिसमें ना तो आपको कोई डिग्री की जरूरत है ना तो कोई रिज्यूमे की जरूरत है, जस्ट आप 18+ हो, तो ये टेस्ट देकर आपकी मनपसंद कंपनी में 15 दिन के अंदर जॉब पा सकते हो। अभी यहाँ पे क्लेवर ट्रैम्स एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजर CTC अप टू 7-20 लाख एंड शार्प क्वेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैकएंड एंड फ्रंट एंड डेवलपमेंट CTC अप टू 4-6 लाख के लिए हायरिंग चल रहे हैं। यहाँ पे बेटा टोटल 10 टेस्ट है, जिसके अंदर सेल्स, HR, वेब डेवलपमेंट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, एनालिटिक्स एंड एंड्रॉइड डेवलपमेंट जैसी अलग अलग पोजिशन आती है। री लेवल ने बेटा आज तक 16 करोड़ की जॉब स्टूडेंट को दिलवाई है, जिसकी ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे जा करके आप ये कंफर्म भी कर सकते हो। ये टेस्ट बेटा ऑनलाइन ही होता है, जिस टेस्ट में आपको 1000 मार्क में से जस्ट 50% मार्क, मतलब के 500 मार्क ही अचीव करने होते हैं। आपको बेटा जस्ट री लेवल में जा करके साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आप आपके कन्वीनियंट टाइम पे टेस्ट शेड्यूल सेट कर सकते हो। इतना ही नहीं, री लेवल उनके टॉप 3 कैंडिडेट को हर मंथ में एप्पल की अलग अलग गुडीज भी प्रोवाइड करता है। तो बेटा अगर आपको इसके लिए ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूं, आप उस लिंक में जाइए और आपकी मनपसंद कंपनी में 15 दिन में घर बैठे बैठे फ्री में टेस्ट लेकर के जॉब पा ली। तो बेटा ये रहा आपका रेमेडियल एग्जाम फॉर्म का फाइनल सर्कुलर। डिप्लोमा इंजीनियरिंग के है, वोकेशनल के लिए है और डिप्लोमा आर्किटेक्चर के लिए। आगे की चीजें देखने की जरूरत नहीं है आपको, तो बेटा सीधे कहाँ पे जाना होता है, डेट के ऊपर। अब समझना, डिप्लोमा इंजीनियरिंग 5-8 सेमेस्टर जो है उनकी रेमेडियल की डेट जो है वो है 28-3 से लेकर के 11-4। वहां पे आपको ओनली एग्जाम फी ही भरनी है, कोई पेनल्टी नहीं भरनी है। मतलब आपको 10 तारीख मान के चलने का लास्ट, इस दिन से पहले आपको फॉर्म भर देने का, उसके बाद बाकी नहीं रखने का। अब यहाँ पे सबकी डेट सेम ही है, डिप्लोमा DA एंड DV उसकी भी फॉर्म्स डेट सेम ही है। लेकिन अगर आप 12 तारीख से भरते हो एग्जाम के 7 दिन पहले तक, तो एग्जाम फी तो बेटा आपको देनी ही देनी है, प्लस ₹500 एक्स्ट्रा पेनल्टी भी आपको यहाँ पे देनी है। दूसरी चीज, जब कभी बेटा आप फॉर्म फिलअप करोगे तो पेमेंट में बहुत सारे स्टूडेंट को इश्यूज आते हैं, तो ये पेमेंट में अगर बेटा आपको भी इश्यू आता है तो आपको क्या करना है, पहले तो 24 आवर्स का वेट करना है, मोस्ट प्रोबेबली सक्सेसफुल हो ही जाएगा। अगर 24 आवर्स के बाद नहीं हो रहा है तो थोड़ा बहुत वेट करने के बाद वापस पेमेंट करना है। अब जो आपका पहली बार पेमेंट कटा है वो वर्किंग 1 महीने के अंदर आपके अकाउंट में वापस आ जाता है। आपने जिस अकाउंट से पेमेंट किया उसके लिए आपको एक मेल भी करना है। आई थिंक हम देख लेते हैं, यहाँ पे कोई मेल आईडी लिखा ही है, देखो ये मेल आईडी पे आपको एक मेल छोड़ देना है, epay_query@gtu.edu.in। इसके ऊपर आपको मेल भी डाल देना है वर्किंग 30 डेज के अंदर। वर्किंग 30 डेज मतलब संडे निकाल दो तो अप्रोक्स 35-40 डेज के अंदर आपके अकाउंट में बेटा ये पैसा वापस आ जाना चाहिए। क्लियर? लेकिन बहुत ध्यान से पेमेंट करें, अच्छे पेमेंट ऑप्शन के साथ पेमेंट करें तो सक्सेसफुल हो ही जाएगा। ऐसा कोई होता नहीं कि सक्सेसफुल नहीं होता है। दूसरी चीज़, जो भी स्टूडेंट को बेटा यहाँ पे एटीकेटी लगी है उनको मैं ध्यान से बोलता हूँ कि बहुत ध्यान से ये एटीकेटी बेटा क्लियर कर देना, वरना होगा क्या, डिग्री में आपका एडमिशन 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट से अटक जाएगा, फिर 1 साल के लिए आपको बैठना पड़ेगा। भले ही उसकी एग्जाम 6 महीने के बाद आती है, आप उसको पास भी कर दोगे, लेकिन एडमिशन 6 महीने के बाद नहीं होगा, वो तो 1 साल के बाद ही होगा। तो आई रिक्वेस्ट, बहुत सारे स्टूडेंट मैंने ऐसे देखे हैं जो 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट के लिए अटक जाते हैं, फिर 1 साल उनका बिगड़ता है, और 1 साल मतलब बहुत बड़ा टाइम है। उस टाइम में करोगे क्या, 1 सब्जेक्ट खाली क्लियर तो वैसे भी हो जाएगा। तो अभी जितना भी टाइम आपके पास है जबरदस्त मेहनत कर लीजिए बेटा। हमारी एप्लीकेशन प्रियेश्वर विद्यापीठ जो है उसमें फ्री मटेरियल सेक्शन में हर 1 सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिस्ट अपलोड होना शुरू हो गए। उतना कर लोगे तो पास तो हो ही जाओगे, अच्छे नंबर से होगे, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ पास तो हो ही जाओगे। तो कैसे भी करके जो फेल स्टूडेंट है वो इसको पास करे और आगे बढ़े, क्योंकि यहाँ पे अब अटकना
बहुत अच्छी चीज़ आपके लिए नहीं है। बहुत कम टाइम है सिक्स सेमेस्टर की एग्जामिनेशन के लिए, डिप्लोमा की रेमेडियल की एग्जामिनेशन, अब बहुत कम टाइम बचा है, तो जो भी टाइम बचा है उसको फटाफट से निपटाइए, रिजल्ट आए तो आपका एडमिशन हो पा है। तो ये वीडियो आपके सभी फ्रेंड्स में शेयर करें। ये सर्कुलर आपको को देखना है तो हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम हैंडल पे मैं रख दूंगा, दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, एप्लीकेशन की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन पे है। मिलते हैं कोई न्यू अपडेट के साथ, बाय, टेक केयर।